हाय फ्रेंड्स, आप सबको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। बच्चों को जब हम काउंटिंग सिखाते हैं 1 to 10 या फिर 1 to 20, बच्चे उसे हम लोग तो सिखा लेते हैं, लेकिन बच्चे उसे कितना कैप्चर कर पा रहे हैं, कितना याद रख रहे हैं, उसे हमें पता लगाना भी चाहिए। या कि ये क्या बात हुई कि हम लोग उन्हें सिखाते गए और वो लोग कुछ पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, बीच बीच में उन्हें कुछ एक्टिविटी वाल देंगे, जैसे कि काउंटिंग सिखा लिए, नेक्स्ट डे हम उन्हें कुछ देंगे ये एक्टिविटी वर्क, जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि बच्चे उसे समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे एक्टिविटी वर्क में, हम क्या देंगे बच्चों को? जैसे कि एक्टिविटी वर्क में हम बच्चे को ये दे सकते हैं, देखिए कुछ पिक्चर ड्रॉ करना है और बच्चों को दिखाना है। जैसे कि बच्चे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ मैच करेंगे। तो दोनों साइड उन्हें काउंट करना पड़ेगा, पहले काउंट करेंगे देन उसे वो लोग मैच कर पाएंगे। तो ऐसे हम उन्हें दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसे मैच करो। जैसे कि देखिए ऐसे वो लोग ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। हम ये कर सकते हैं, उन्हें हम ये भी दे सकते हैं, देखिए एक साइड पिक्चर ड्रा करेंगे और दूसरी साइड हम नंबर्स लिखेंगे। से क्या होगा ना, बच्चे पिक्चर्स देखेंगे और उसे काउंट करेंगे 1, तो वहाँ देर ढूंढेंगे वो लोग 1 कहाँ है, फिर इसे ऐसे करके जोड़ेंगे वो लोग। इससे क्या होगा ना, बच्चे का काउंटिंग भी हो जाएगा और आइडेंटिफाइंग भी हो जाएगा। वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना नंबर्स कहाँ है बोल के, पहले तो काउंट करेंगे फिर आइडेंटिफाई करेंगे। इससे क्या होगा, वो लोग आसानी से समझ जाएंगे 1, 2, आसानी से समझ जाएंगे कि 1, 2 कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट ये बच्चों को हम बोलेंगे कि आप लोग इसे जोड़कर ट्रेन बनाओ। जैसे कि ये देखिए, मैं पहले एक बना दी हूँ ट्रेन, मैं पहले जैसे कि देखिए आप, मैं पहले से एक ड्रॉ कर ली हूँ ट्रेन की इंजन। उन्हें हम बताएंगे कि ट्रेन की डब्बे बनाओ। ये देखो पहले 1 लिखा है, तो बच्चे को हम कुछ कलर्स देंगे और बोलेंगे 1 है तो हम एक ही डॉट दो, 2 है देन वो लोग 2 डॉट डालेंगे, देखिए ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो लोग खेलेंगे। और बच्चों को ना बच्चों को सेंसोरी चीज़ें बहुत पसंद है, जिसे वो लोग टच कर सकते हैं उसे वो लोग बहुत पसंद करते हैं। जब हम लोग उन्हें ऐसे डॉट बनाने के लिए बोलेंगे तो बच्चे इसे टच करेंगे, बच्चे इसे टच करेंगे तो उसे ये अच्छा लगेगा और आसानी से ये वो लोग कर देंगे। काउंटिंग भी हो जाएगा और नंबर भी उन्हें पहचानने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देन क्या करेंगे, मैंने कुछ पिक्चर ड्रॉ की हुई हूँ, देखिए बग का पिक्चर, और यहाँ नंबर्स लिख देंगे हम, आपको जो चाहिए यहाँ 2, 4 ये सब लिख ली हूँ। बच्चों को बोलना है कि जितना नंबर्स है आपको यहाँ उतने ही डॉट्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो बच्चे को इधर 2 डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग उन्हें ऐसे भी बता सकते हैं। और एक है ये, इससे क्या होगा ना, देखिए आप, मैं फर्स्ट लिखी हूँ 2, बच्चों को बोलूँगी कि ये बैलून में मैं बहुत सारे नंबर लिखी हुई हूँ, इन्हीं नंबर में से आपको 2 को आइडेंटिफाई करना है और राउंड करना है। तो बच्चे यही बैलून में से 2 को ढूंढेंगे, इस बैलून में से 2 को ढूंढेंगे, 2 कहाँ है देखेंगे, और उन्हें जहाँ भी 2 दिख रहा है उसे वो लोग राउंड करेंगे, तो उन्हें नंबर्स का पहचान आसानी से हो जाएगा। मैंने यहाँ 2 लिखी, आप अपने हिसाब से 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। देन क्या करेंगे, ऐसे मैचिंग्स भी उन्हें दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस साइड कुछ फ्लावर्स बना लिए और बीच में नंबर लिख लिए, इस साइड भी कुछ फ्लावर बना लिए और नंबर लिख लिए। बच्चों को बोलूँगी 2 नंबर से यहाँ है तो यहाँ भी 2 कहाँ है ढूंढो और उसे ज्वाइन कर लो,
तो बच्चे आसानी से इसे ढूंढेंगे और ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग उन्हें दे सकते हैं टास्क। देन बच्चों को ये वाला ना सबसे अच्छा लगता है, जो डॉट्स होता है, डॉट्स को ज्वाइन करने में उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चों को बोलेंगे, जब छोटी है बच्ची तो हमें उन्हें 1 to 5 तक काउंट करना सिखाएंगे, फिर 1 to 10, तो उन्हें क्या करेंगे, ऐसे एक साइड हम लोग ड्रॉ कर देंगे पिक्चर और दूसरी साइड ऐसे डॉट डॉट बना देंगे, और बच्चों को बोलेंगे कि आपको इस जो डॉट है ये डॉट को जोड़ना है। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ना है, तो बच्चे इसे आसानी से करेंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा ये सब। तो बच्चे हम लोग अगर इसी तरह बच्चों को पढ़ाने लगे तो बच्चे आसानी से उसे कैप्चर कर पाएंगे, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, हमारा काम भी आसान हो जाएगा और बच्चे भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करके खुश हो जाएंगे, तो वो भी आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मैं जो एक्टिविटी दे रही हूँ बच्चों को, मैं जो सिखा रही हूँ बच्चों को, सिखाने की तरीका जो मैं बता रही हूँ, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके पास और कुछ भी है आइडिया, न्यू आइडिया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।